चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपके साथ सिंपल प्रोडक्ट वाले यूनिक नए ई कॉमर्स के स्टोर शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। XYZ एंटरप्रेन्योर ने सिंपल और यूनिक प्रोडक्ट स्केल पे बेची और अपने स्टोर के थ्रू अपनी टोटल नेटवर्क 50 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ तक की यहाँ पे बना लिया। इतने बड़े नंबर है दोस्तों आज के इस एपिसोड में, और इसी हिसाब से रिसर्च पक्का हुआ है जो आपके साथ अभी शेयर किया जाएगा और पका हुआ रिसोर्सेज आपको पीरोसा जाएगा। शुरू करते हैं www.getboldify.com। getboldify.com दोस्तों यहाँ पे हेयर थिकनिंग स्प्रे बेचने वाला स्टोर है। हेयर थिकनिंग स्प्रे बेच के दोस्तों ये जो स्टोर है एन्यूअली $10 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा है। तो ये 80 करोड़ के आसपास का दोस्तों एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। और हेयर थिकनिंग ये दोस्तों हेयर को लेकर ना एक अलग से ही प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं तो कहूँगा यहाँ पे more than 50% लोग जिनके हेयर ना ठीक नहीं होते, पतले बाल होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको आपके बाल को लेकर थिकनेस बढ़ानी है, ये आपकी हेल्प कर सकता है, ऐसा यहाँ पे स्टोर का दावा है। और इसी हिसाब से $10 मिलियन प्लस का ये एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं www.clair.com। clair.com दोस्तों यहाँ पे हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली कह लीजिए पेंट बेचता है। और कहते हैं कि चूज़ करो अपने हिसाब से कलर, बिल्कुल ही यूनिक से कलर हो गए, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल, आज के टाइम पे ये तो रखना ही है दोस्तों। कुछ भी बेचना है ना, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा, क्योंकि XYZ कस्टमर को बहाना मिले आपके स्टोर से चीज़ें परचेस करने को लेके। तो ये लोग दोस्तों यहाँ पे पेंट कलर ही बेच रहे हैं, और पेंट कलर बेच के स्टोर $15 मिलियन का ईयरली रेवेन्यू कर रहा है। $15 मिलियन यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं INR में कितना हो गया, 100 करोड़ के आसपास का एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। आगे बढ़ते हैं www.byhumankind.com। byhumankind.com दोस्तों यहाँ पे इको फ्रेंडली रिफिलेबल डिओड्रेंट बेचता है। $5 मिलियन एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है, जो 40 करोड़ का एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। देखिए दोस्तों, अभी मैं ना फैशन को लेकर बात करूँ तो मैं ज़्यादातर ये कुर्ते पहनना पसंद करता हूँ। तो ये जो दोस्तों कुर्ता है ये रेडी टू परचेस कुर्ता होते हैं, और मैं पेंटालून से परचेस करता हूँ। पेंटालून का आपने नाम सुना होगा, तो मैं भी रिसेंटली ना नए कुर्ते परचेस करने के लिए पेंटालून में गया था। तो पेंटालून में जब मैं बिलिंग कर रहा था, बिलिंग के टाइम पे ना दोस्तों वो परफ्यूम रखे हुए थे ट्राई करने को लेकर 2-3, तो सामने जो पर्सन था जो यहाँ पे बिलिंग बना रहा था वो कहता है कि सर ये परफ्यूम है, एक बार ट्राई कर लीजिए, यदि आपको लेना है तो ऑफर में। और उनका हर बार का दोस्तों ये ना सेम चीज़ रहता है कि ऑफर में परफ्यूम है, ले लीजिए, बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी परफ्यूम पड़े हुए हैं, मुझे कोई नीड नहीं है। वो सेल्समैन दोस्तों कहता है, एक टाइप का मैं सेल्समैन ही बोलूँगा क्योंकि ग्रेट सेल्स पिच, क्योंकि वो बिलिंग कर रहा था, लेकिन वो मुझे कह रहा था कि लेना ना लेना कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो कर लीजिए, एक बार स्मेल से देखिए कि क्या आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है। मैंने दोस्तों परफ्यूम यहाँ पे ट्राई किया और मुझे पसंद आ गया, और मैंने परफ्यूम परचेस कर लिया। यानी कि दोस्तों मैं एक ऐसी प्रोडक्ट जो परचेस ही नहीं करने वाला था, जो मैं परचेस करने के लिए गया ही नहीं था, जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन वो प्रोडक्ट का दोस्तों नेचर ऐसा है जैसे कि डिओड्रेंट, वो स्मेल मुझे पसंद आ गई और मैंने यहाँ पे परचेस कर ली। तो इसी हिसाब से दोस्तों प्रोडक्ट की ना अपने आप में परचेसिंग को लेके एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, तो यह समझना एब्सोल्युटली जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों वो ना डिओड्रेंट को ट्राई करने के लिए हमेशा बिलिंग काउंटर के पास ही रखते हैं, मैं यदि पेंटालून्स की यहाँ पे बात करूँ तो इसी हिसाब से आपको ये समझना है आपकी प्रोडक्ट की साइकोलॉजी को लेके। तो ये डिओड्रेंट दोस्तों एक ऐसी प्रोडक्ट है ईजिली उठ जाती है और डेली बेसिस पे यूज़ होती है, रिकरिंग यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेची जाती है, क्योंकि डिओड्रेंट खत्म हो जाएगा तो XYZ दोबारा परचेस करेगा। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे बिजनेसेस को लेके ना टाइम के साथ आप चीज़ें यहाँ पे समझोगे। और एब्सोल्युटली मैंने जब चीज़ें परचेस कर ली, यहाँ पे डिओड्रेंट परचेस कर लिया, बाद में मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि मैं गया था कुर्ता लेने के लिए, मेरे पास ऑलरेडी घर में बहुत सारे डिओड्रेंट पड़े हुए हैं, स्प्रे परफ्यूम पड़े हुए, फिर भी इंस्टेंट मोमेंट पे जैसे ही मैंने वो यहाँ पे स्प्रे किया, मुझे यहाँ पे स्मेल अच्छी लगी और मैंने कहा दे दो कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से दोस्तों प्रोडक्ट का ना ये देखना ज़रूरी है। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है कस्टमर ना इंस्टेंट परचेस करता ही नहीं है, तो सेल करना डिफिकल्ट रहता है। अदरवाइज आप जो कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम एड है, मेटा एडवर्टाइजमेंट में कोई और प्लेटफॉर्म ट्राई कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी, तो ये देखो, ये समझो, अंडरस्टैंड करो यदि कुछ भी ऑनलाइन बेचना है तो, कि ये प्रोडक्ट सबसे इंस्टेंट परचेस कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, तो ये सब दोस्तों समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं www.coppercompression.com है। coppercompression.com दोस्तों यहाँ पे कॉपर इन्फ्यूज्ड एक हिसाब से कह लीजिए कंप्रेशन गियर बेचते हैं जॉइंट सपोर्ट के लिए। ये $50 मिलियन का दोस्तों एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है, 400 करोड़ का एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। सिंपल सा मैं इसको कैटेगरी दे रहा हूँ दोस्तों, ये ऑर्थोपेडिक डिवाइस बेचते हैं, ऑर्थोपेडिक थेरेपी वाले डिवाइसेज है, जॉइंट है, पेन रिलीफ है, तो ये ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑनलाइन में सेल होते हैं।
जो भी एक्सवाइजेड पर्सन दोस्तों इस कैटेगरी को क्रैक कर लेता है, मैंने इसको क्या नाम दिया, ऑर्थोपेडिक कैटेगरी, फिर वो एक प्रोडक्ट तक नहीं रुकता है, वो बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल दोस्तों स्टोर बनाते ही जाते हैं अपनी ऑर्थोपेडिक कह लीजिए प्रोडक्ट को लेकर। जैसे कि साइटिका का दोस्तों पेन होता है तो इनके बेल्ट बेचने लगेंगे, जैसे कि बैक पेन हो रहा है तो बैक पेन रिगार्डिंग कोई ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने लगेंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड पर्सन को यहाँ पे नेक में पेन हो रहा है तो नेक का बेचने लगेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों जो भी बंदा राइट कैटेगरी में घुस जाता है ना कभी कभी कोई प्रोडक्ट बेचने को लगे, फिर वो पूरी कैटेगरी एक टाइम के बाद यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉरपोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहाँ पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहाँ पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप वन ऑन वन आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस यहां पे आंसर दे दूंगा क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूं। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू जो मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है मैं यहां पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूं। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहां पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहां पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी। नाउ बैक टू एपिसोड। आगे बढ़ता है www.richul.com है। richul.com दोस्तों यहाँ पे एक स्टोर है, मल्टीविटामिन बेचते हैं वुमन के लिए, मल्टीविटामिन फॉर द ह्यूमंस, ह्यूमन माफ कीजिएगा मैंने ह्यूमन बोला है, मैं एक बार अनकट एपिसोड बना रहा हूँ तो कभी कभी अनकट एपिसोड में वुमन ह्यूमन थोड़ा सिमिलर प्रोनाउंस है। ये दोस्तों मल्टीविटामिन बेचते हैं सिर्फ वुमन के लिए, वुमन फोकस्ड यहाँ पे ई कॉमर्स का स्टोर है और ये स्टोर दोस्तों एनुअली $40 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा है। $40 मिलियन यानी कि कह सकते हैं 320 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। बहुत बड़ा दोस्तों नंबर होता है, विद इन 365 डेज यहाँ पे ये नंबर अचीव करना। आगे बढ़ता है www.heststudios.com। heststudios.com के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो $40 मिलियन का ईयरली रेवेन्यू था ना रिचुअल का, मल्टीविटामिन फॉर द वुमन, ये रिकरिंग प्रोडक्ट है। एक बार कस्टमर एक्विजिशन पे पैसा डालेंगे, एक बार यदि वुमन को यहाँ पे हैबिट लग जाती है, वुमन को किसी भी फीमेल को या फिर इसमें दोस्तों मेल भी आ जाता है, कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, एक बार दोस्तों हैबिट लग गई, एक टाइम तक जब हम कंज्यूम करते हैं ना एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को, बाद में हमारी साइकोलॉजी ऐसे बनी जाती है कि जब तक वो प्रोडक्ट हम कंज्यूम नहीं करते ना तब तक हमें यहाँ पे अब नॉर्मल फील होता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों ये स्टोर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का यहाँ पे कह लीजिए रेवेन्यू बनाता है ईयरली बेसिस पे, और वो रिकरिंग रेवेन्यू होता है हैबिट फॉर्मेशन वाली प्रोडक्ट बेच के। लिख लेना दोस्तों ये वर्ड, यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है तो ऐसी प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी जो हैबिट फॉर्मेशन वाली है। देख लेना दोस्तों जो भी बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, बड़े से बड़े बिजनेसेस है, लोग बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत ही गालियां देते हैं, फिर भी वो प्रोडक्ट को कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि शराब बेचने वाली कंपनीज है, बहुत बुराई है, बहुत बुराइयां है, बहुत नेगेटिव पीआर भी है कि ये एक्टर इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, विमल इलायची है, एक्स वाई जेड टाइप के गुटखा है, लेकिन वो हैबिट फॉर्मेशन वाली प्रोडक्ट है। एक्स वाई जेड पर्सन को दोस्तों हैबिट लग गई सिगरेट है, बाद में वो पर्सन खुद चाह के भी दोस्तों प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये कंपनी को कोई दोस्तों फर्क ही नहीं पड़ता है जो भी हैबिट फॉर्मेशन वाली कंपनीज है कि कोई इनकी कितनी भी बुराई करे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसी बेच रहे हैं कि कस्टमर खुद चाहे फिर भी वो प्रोडक्ट को छोड़ नहीं सकता है। तो ये सब दोस्तों बिजनेस साइकोलॉजी है और बिजनेस को लेके ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितना आप समझोगे उतना ही दोस्तों आप ज्यादा बेच पाओगे और बिजनेस से पैसा कमा पाओगे। बिजनेस दोस्तों थोड़ा यहाँ पे क्रूशियल होता है, तो थोड़ा आपको ना
बिजनेसमैन बनने के लिए दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना पड़ता है, ये रियलिटी है। हर बार दोस्तों आप दिल से सोचोगे ना तो आप बड़ा धंधा बना ही नहीं पाओगे। दिमाग से सोचना एब्सोल्युटली जरूरी है, क्योंकि विदाउट सेलिंग बिजनेस में कुछ भी नहीं है, बेचना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, www.heiststudios.com जिसके बारे में बात कर रहा था। ये लोग दोस्तों यहाँ पे टाइट बेचते हैं, टाइट एक टाइप के कपड़े हैं, और टाइट बेच के दोस्तों ये जो स्टोर है $10 million का एन्यूअल रेवेन्यू कर रहा है। तो 80 करोड़ का दोस्तों एन्यूअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है जो टाइट बेच के यहाँ पे बना रहा है। हाई परफॉर्मेंस टाइट बेचते हैं ज़्यादातर इंडिया में, तो दोस्तों जो एक्ट्रेस होते हैं वो टाइट को पहनते हैं, और रिच क्लास एक है ये टाइट टाइप के कपड़े को पहना जाता है। अदरवाइज यूएस यू के डेवलप्ड कंट्रीज में इस टाइप की फैशन को एक्सेप्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पे दोस्तों लोग इतना फिट नहीं होते तो यह टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करते, यह टाइप की फैशन को एक्सेप्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, www.curology.com है। curology.com दोस्तों यहाँ पे पर्सनलाइज्ड स्किन केयर की प्रोडक्ट बेचते हैं एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। बहुत बड़ा दोस्तों पैसा है ये ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री में भी, और ये ट्रीटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट बेचने में भी। ये मैंने पर्सनली दोस्तों देखा हुआ है कि लोग पैसा छापते हैं ये कैटेगरी में, क्योंकि कस्टमर दोस्तों ये कैटेगरी में ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए पैसा देने को रेडी ही है। ये एक्ने ट्रीटमेंट यानी कि दोस्तों स्किन पे जो पिंपल होते हैं वो पिंपल दूर करने के लिए एक्स वाई जेड टाइप की ट्रीटमेंट कराते हैं, और ट्रीटमेंट पे नाम पे दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ रुपीज से लेके लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज किया जाता है कि आपके पिंपल हटा देंगे, पिंपल ये है वो है। तो एक्ने ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पैसा देने वाली नीश है, और इनके रिगार्डिंग प्रोडक्ट भी दोस्तों तगड़ी बेची जाती है। प्रोडक्ट में दोस्तों एक्स वाई जेड टाइप की क्रीम आती है, एक्स वाई जेड टाइप की ट्यूब यूज़ की जाती है, एक्स वाई जेड टाइप की मेडिसिन आती है, एक्स वाई जेड टाइप के कह लीजिए सप्लीमेंट आते हैं। तो जो भी बेचा जा सकता है ना दोस्तों भर भर के बेचते हैं डॉक्टर। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी डॉक्टर इस निश में काम कर रहे हैं स्किन केयर में, खास करके एक्ने ट्रीटमेंट में, पहले दोस्तों पैसा कैसे चार्ज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उनकी रहती है हाई फीस, कि आपको सिर्फ दिखाना है ना आपकी स्किन। तो दूसरे एक्स वाई जेड कैटेगरी और ट्रीटमेंट के मुकाबले में ये एक्ने ट्रीटमेंट स्किन दिखाने के जो डॉक्टर है वो पहले ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो नंबर वन वहाँ से पैसा बनाते हैं। सेकंड है दोस्तों आपको पीच करेंगे कि ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और ट्रीटमेंट दोस्तों मंथ्स एंड मंथ्स में चलती है। रियलिटी दोस्तों ये है कि बहुत बार हमारी जो स्किन होती है ना वो अपने आप ही रिकवर होती है, तो ये लोग मंथ्स एंड मंथ्स की ट्रीटमेंट के नाम पे पैसा ले लेते हैं। लेकिन रियलिटी में यदि एक्स वाई जेड पर्सन कुछ नहीं भी करता है ना, अपने फूड और डाइट में चेंज करके ना अपनी बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर करके वो एक्ने मटा देती है, और एक्स वाई जेड पर्सन को लगता है कि मेरी ट्रीटमेंट के कारण ये मेरे पिंपल गए। लेकिन दोस्तों ट्रीटमेंट के कारण 5-10% बार से दिखने वाला फर्क, अदरवाइज इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ डॉक्टर है दोस्तों ट्रीटमेंट के नाम पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं, और ऐसा कहते हफ्ते में 2 बार ट्रीटमेंट, हफ्ते में 1 बार, 3 महीने तक चलेगी। तो रिकरिंग 3 महीने के लिए वो बंदा यहाँ पे बंद गया पैसा देने को लेके। थर्ड दोस्तों बता रहा हूँ, ये जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना ये डॉक्टर खुद के ही होते हैं जो एक्ने के ट्रीटमेंट करते हैं, और बार बार के दोस्तों यहाँ पे ना ये लोग लिखते हैं फिर कि ये क्रीम लगाना है, ये रिकवरी ट्यूब लगानी है, ये मेडिसिन लेनी है, ये विटामिन लेने हैं, और सब दोस्तों यहाँ पे पैसा छापते हैं इस नीच में। क्योंकि एक हिसाब से मैं दोस्तों गलत भी नहीं कह सकता, एक हिसाब से फ्रॉड और स्कैम भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर पैसा देने को रेडी है, वो अपनी स्किन पे पैसा स्पेंड करने को रेडी है, वो अपनी एक्ने की ट्रीटमेंट किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में कराना ही चाहता है। तो ये सब रियलिटी है दोस्तों, तो इसी हिसाब से चीज़ें चलती है। दो ऐसी नीचे अंधा पैसा दोस्तों लोग स्पेंड करते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या फिर अमीर हो। एक है दोस्तों बाल और एक है स्किन, एक है बाल और एक है यहाँ पे स्किन। ऑब्जर्व कर लेना बड़ी बड़ी दोस्तों FMCG कंपनीज कुछ ना कुछ बाल या फिर कुछ ना कुछ स्किन रिगार्डिंग की प्रोडक्ट बेच रही होगी। आगे बढ़ते हैं www.curology.com का दोस्तों मैं रेवेन्यू बता देता हूँ, जो ये एक्ने ट्रीटमेंट वाली प्रोडक्ट बेचते हैं $300 million विद इन 365 days। $300 million यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं 2400 इन इंडियन करेंसी CR, 2400 CR विद इन 365 days। कैटेगरी ऐसी है नीचे, इसीलिए इतना पैसा यहाँ पे बन रहा है। आगे बढ़ते हैं www.takeracist.com है, takeracist.com है दोस्तों, और ये स्पार्कलिंग वाटर बेचते हैं। नई कैटेगरी है दोस्तों, डेवलप कंट्रीज में भी बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी बढ़ रही है। एक टाइप की बेवरेज इसकी कैटेगरी है, एक होता है दोस्तों सुगरी ड्रिंक, एक होता है नॉर्मल ड्रिंक वाटर, जो बिस्लेरी की वाटर आती है, एक आती है कोको कोला थम्स अप XYZ, इनके बीच में दोस्तों एक गैप निकाला जा रहा है। ये आ रहा है यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर, बहुत सारे इसमें दोस्तों प्लेयर आ रहे हैं, ये लोग स्पार्कलिंग वाटर ही बेचते हैं, और ये लोग दोस्तों यहाँ पे इन्फ्यूज्ड CBD को करते हैं, इन्फ्यूज्ड विथ CBD। तो एक टाइप का आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, इन्फ्यूज्ड विथ CBD एंड एडोप्टोजेंस। तो एक ज़्यादा कह लिए कि इतना ही मार्केट कर रहे हैं कि हमारे स्पार्कलिंग वाटर को आप यूज़ करो, कंज्यूम करो,
आपके लिए फायदे में रहेगा। तो ये स्पार्कलिंग वाटर बेच के दोस्तों इतना सिंपल सा समझो 10 मिलियन डॉलर का ईयरली रेवेन्यू कर रहे, तो 80 करोड़ बीच की कैटेगरी में एंट्री लेके यहाँ पे कर रहे। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करेंगे हमारे 1-on-1 बिजनेस कोचिंग के बारे में। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई स्टार्टअप आइडिया है या फिर बिजनेस आइडिया है, आप आपके आइडिया को डिस्कस करके यदि वैलिडेट करना चाहते हो 1-on-1 बिजनेस कोचिंग दोस्तों आपके लिए, या फिर आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस शुरू कर दिया है और बिजनेस को ग्रो करना है और ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसका ये मतलब है कि बिजनेस को लेकर आपके पास इनसाइट नहीं है। यदि दोस्तों आपको इनसाइट चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने को लेकर 1-on-1 बिजनेस कोचिंग आपके लिए, या फिर आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस शुरू तो कर दिया है, अब आप ये चाहते हो कि ये बिजनेस के साथ किसी और बिजनेस को भी किया जाए पार्ट टाइम में, या फिर ऑलरेडी जो बिजनेस यहाँ पे आपने शुरू किया था अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा वर्क नहीं कर रहा है और आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को पिविट किया जाए, कुछ नया शुरू किया जाए, कंफ्यूजन में हो, तो कंफ्यूजन को लेकर दोस्तों क्लियरिटी थॉट फॉर्मेशन आपको 1-on-1 बिजनेस कोचिंग के थ्रू यहाँ पे मिल सकती है। यदि फीस की दोस्तों बात की जाए अफोर्डेबल फीस रखी हुई है। यदि आप आपके बिजनेस को लेकर सीरियस हो, आइडिया को लेकर, आपके बिजनेस के क्वेरी को लेकर, बिजनेस के प्रॉब्लम को लेकर, आप ये फीस एब्सोल्युटली यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो। फ्री में दोस्तों इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि ये सिर्फ सीरियस पर्सन के लिए है। मेरा दोस्तों यहाँ पे 1 आवर का टाइम लगेगा XYZ 1% पे, तो ये 1-on-1 दोस्तों यहां पे बिजनेस कोचिंग का सेशन है। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे आप अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से सेशन बुक कर सकते हो। बहुत ही कम दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट रहेंगे, तो यदि आपको अवेलेबल स्लॉट मिल जाता है और आपको आपके बिजनेस को लेके नीड है यहाँ पे कोचिंग की, तो आप एब्सोल्युटली यहाँ पे सेशन बुक कर सकते हो। क्या मैं दोस्तों राइट पर्सन हूँ आपको बिजनेस कोचिंग देने को लेके, आपको गाइडेंस देने को लेके? मेरी दोस्तों जो बिजनेस को लेके अचीवमेंट है और जो भी मेरा बिजनेस को लेके एक्सपीरियंस है, हर एक चीज दोस्तों बुकिंग का जो पेज है वहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप चीज़ें रीड करके सेशन को बुक कर सकते हो यदि आपको अवेलेबल स्लॉट मिल जाता है। तो बैक टू एपिसोड, आगे बढ़ते हैं। www.greatjohnsgoods.com greatjohnsgoods.com दोस्तों यहाँ पे स्टाइलिश हाई क्वालिटी के कुकवेयर बेचने वाला स्टोर, स्टाइलिश हाई क्वालिटी के कुकवेयर एब्सोल्युटली दोस्तों जो उनका यहाँ पे प्रॉमिस है उसी टाइप की प्रोडक्ट आपको यहाँ पे उनके स्टोर पे दिखेगी। 20 मिलियन डॉलर का एनुअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। 160 CR विद इन 365 डेज दोस्तों कुकवेयर कैटेगरी में ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों मैंने आपके एक्सपोजर के लिए कुछ प्लेयर बताए जो ई कॉमर्स के डिफरेंट सिंपल प्रोडक्ट के साथ, यूनिक सी प्रोडक्ट के साथ स्केल पे काम कर रहे हैं, हैबिट फॉर्मेशन वाले यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इसी हिसाब से बड़ा पैसा यहाँ पे छाप रहे हैं। एक बात दोस्तों पूरे यूट्यूब मीडिया में कोई नहीं बताएगा, मैं बताना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी दोस्तों यदि आपको बिजनेस करना है, आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज दोस्तों 3 टाइप के होते हैं खास करके, पहला इन्वेस्टमेंट, सेकंड है मैन पावर, थर्ड है टाइम और नेटवर्किंग। थर्ड में दोस्तों दोनों ले रहा हूँ, टाइम एंड नेटवर्किंग। बहुत टाइप के बिजनेसेस करने के लिए दोस्तों आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं है आपके पास एक्सेप्ट करो, बिजनेस को छोड़कर किसी और बिजनेस पर फोकस करो। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा मैन पावर, बहुत टाइप के बिजनेसेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए भी और बहुत बार नहीं भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे मैन पावर तगड़ा चाहिए। कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई कोड बनाना है, बिल्कुल इंटरनेट बिजनेस वाली चीज़ बनानी है, स्केल पे रिवोल्यूशन लेके आए जैसे कि ChatGPT वाली प्रोडक्ट लेके, तो वहाँ पे मैन पावर इज लाइक अ रिसोर्स, वहाँ पे तगड़े मैन पावर चाहिए। थर्ड है दोस्तों टाइम एंड नेटवर्किंग। बहुत टाइप के बिजनेस में दोस्तों पैसा भी है, मैन पावर भी है, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको नेटवर्किंग की नीड रहेगी। नेटवर्किंग है तभी पैसा बन पाएगा। तो ये एब्सोल्युटली आपको देखना है एज अ बिगिनर आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है। क्या आप सिर्फ टाइम अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ चल रहे हो, तो उस हिसाब से बिजनेस को चूज करो। एज अ बिगिनर दोस्तों छोटे से छोटा काम करो, विद इन 5 to 10 ईयर वही अर्निंग को आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे। एज अ बिगिनर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, जो भी बिगिनर है बिजनेस के वर्ल्ड में, मैं और आप भारत से ही देख रहे होंगे, मोर देन 95% जो व्यूअर होते हैं उनके पास मेजोरिटी ना सिर्फ टाइम ही अवेलेबल होता है कि टाइम है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा दोस्तों उसी हिसाब से बिजनेस को देखो जो आप कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आप आपका टाइम लगा के या फिर थोड़ा बहुत पैसा लगा के काम शुरू कर सको और वह काम से पैसा कमा के फ्यूचर में आगे एलोकेट कर सकते हो किसी और बिजनेस में। अनकट एपिसोड दोस्तों बना रहा हूँ, यदि आप अनकट एपिसोड एंड तक देख रहे हो, कोई पूरे यूट्यूब दुनिया में नहीं बना रहा यार अनकट, ऐसे ही बात रख रहे हैं जैसे हमारे सामने कोई हमारे दोस्त बैठे हुए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।